आज मैं आपके सामने चाय की रेसिपी लेके आई हूँ फ्रेंड। तो ये देखिए चाय है, बहुत ही कड़क चाय मैंने बनाया है। तो वीडियो में पूरी तरीके से बने रहिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। तो ये देखिए मैंने चाय बनाया है, बहुत ही टेस्टी चाय, एकदम ढाबे जैसा मैंने बनाया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस तरीके से चूहा आप चाय बनाकर मॉर्निंग में खा सकते हैं फ्रेंड। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है। आज मैं आपके सामने चाय की रेसिपी लेके आई हूँ। चाय तो आप बहुत तरीके से बनाए होंगे फ्रेंड, मगर मेरे तरीके से बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी चाय बनाकर दिखाऊंगी आपको। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पैन बिठा दिया फ्रेंड, इसमें मैं पानी डालूंगी। मैं दो लोगों के लिए बना रही हूँ फ्रेंड, तो मैंने आधा गिलास पानी डाला है। अभी पानी को जब तक उबाल नहीं आएगा, पानी उबल चुका है। अब मैं इसमें एक इलायची कूट कर डालूंगी। इलायची है, मैं इसे कूट लूंगी। अदरक को भी कूट लेना है, तो इसको कूट कर मैं इसमें चाय में डाल दूंगी। इससे इनका स्वाद बहुत अच्छा आएगा, फ्लेवर। तो ये देखिए, चाय को जब तक अच्छे तरीके से पकाएंगे नहीं, चाय में अच्छा स्वाद नहीं आता है। तो चाय को पकाना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड, तभी उसका चाय का स्वाद बहुत अच्छा आता है। बिल्कुल होटल में जैसे मिलता है ढाबे पर, उस तरीके का चाय का स्वाद आएगा। तो अब मैं इसमें डालूंगी चीनी, चाय पत्ती, इसको भी उबाल आने देंगे फ्रेंड। तो चाय को कम से कम 5 से 7 मिनट तक इसको अच्छे तरीके से धीमी आंच पर पकाना पड़ता है, तभी इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। आप एक बार मेरे तरीके से ज़रूर चाय बनाकर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड, और बहुत ही टेस्टी लगेगा और बहुत ही अच्छा लगेगा चाय पीने में। और चाय पत्ती फ्रेंड आप अच्छा क्वालिटी का डालिएगा, जैसे टाटा टी हो गया, टाटा टी गोल्ड हो गया, ये सब चाय पत्ती का स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो अब मैं इसमें दूध डालूंगी, तो मैंने आधा गिलास दूध लिया है। अब इसको भी पकने देंगे। देखिए चाय में उबाल आ चुका है, तो इसको धीमे आंच पर हमें 5 से 7 मिनट तक पकाना है। जब तक ये चाय आधा ना हो जाए तब तक इसको हम पकाते रहेंगे। तो वीडियो में पूरे तरीके से बने रहिएगा, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर आप कीजिएगा फ्रेंड। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप ये चाय की रेसिपी कैसी लगी। आप एक बार इस तरीके से चाय बनाकर जरूर ट्राई करना। तो ये चाय बनकर तैयार हो चुका है फ्रेंड, तब चलिए इसको छान लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड चाय को छान लेते हैं। तो लीजिए चाय बनकर तैयार हो चुका है। इसे बिस्किट के साथ खाइए। तो मॉर्निंग में इस तरीके से आप चाय बना के पिए, बहुत ही टेस्टी है और बिल्कुल ढाबे जैसा इसका स्वाद आएगा फ्रेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।